अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद ज़ैनुलाबिदीन हाशमी, वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम। यह ऐलान सदर अंजुमन इस्लाम सैयद महमूद हुसैनी हाशमी की जानिब से और तमाम अराकीन अंजुमन इस्लाम की जानिब से और हिलाल कमेटी अंजुमन इस्लाम की जानिब से हो रहा है। आज 29 रमज़ान का कहीं भी ईद उल फितर का चांद नज़र नहीं आया है। दीगर जगहों से भी रब्ता करने के बाद अंजुमन हिलाल कमेटी ने फैसला लिया है कि ईद उल फितर की नमाज जो है बरोज़ जुमा 14 मई को मनाई जाएगी और कल इंशाल्लाह 30 रमज़ान होगा। और जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वबा की वजह से रियासत कर्नाटका की जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस के मुताबिक कहीं भी तादाद में नमाज नहीं पढ़नी है। मैं तमाम दीगर अफराद से ये गुजारिश करता हूँ, नमाज अपने अपने घरों में अदा कर सकते हैं। 4 रकात की नमाज अदा करने से आपको ईद उल फितर की नमाज का सवाब मिलेगा। और मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि कोविड-19 के चलते कहीं भी बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल सख्त ख्याल रखें। 24 मई तक कर्नाटक, रियासती कर्नाटक में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के जो कानून हैं उसका सख्ती से अमल करें। मैं तमाम लोगों से ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ, अपनी जानिब से, अंजुमन इस्लाम की जानिब से, सदर अंजुमन इस्लाम की जानिब से और हमारे अंजुमन लॉ कॉलेज के चेयरमैन अलहाज सैयद महबूब खादरी मुश्किल की जानिब से। और तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि कहीं भी ज़्यादा लोग या ज़्यादा भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं और लॉकडाउन के जो रूल्स हैं उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें और इस वबा के हमारे मुल्क से जल्द अल्लाह ताला इसे दूर करे, ये दुआ करें। कल 30 रमज़ान है और इंशाअल्लाह ताला कल रोज़े की हालत में तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि कल इस वबा के लिए जल्द से जल्द आलम इस्लाम से और हमारे मुल्क से इसका पूरी तरह सफाया हो जाए। अल्लाह ताला के पास ही दुआ करें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम। ये ऐलान अंजुमन इस्लाम रुयत हिलाल कमेटी बीजापुर की जानिब से किया जा रहा है। आज हमारे शहर बीजापुर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहा। शहर और अतराफ व अकनाफ से रुयत की यानी चांद देखने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हो सकी। हैदराबाद, गुलबर्गा और दीगर मकामात से राबते के बाद तकद्दस मआब हज़रत सैयद महमूद पीरा हाशमी सदर अंजुमन इस्लाम और अराकीन अंजुमन इस्लाम की हिदायत के मुताबिक आज ये ऐलान किया जाता है कि कल बरोज़े जुमेरात 13 मई को 30 रमज़ान होगी और 14 मई बरोज़े जुमा को यकुम शव्वाल होगी और इंशाअल्लाह ईद उल फितर मनाई जाएगी। जज़ाकल्लाह। ताज मोबाइल्स बीजापुर में एक भरोसे का नाम, जिन्होंने अपने 7 साल के सफर में अपनी मेहनत और ईमानदारी से ग्राहकों के भरोसे पर खरा उतरकर शहर बीजापुर में कामयाबी से चलने वाले 6 ब्रांचेस के साथ अपनी 7th एनिवर्सरी के मौके पर आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन ऑफर, जिसमें यहां से मोबाइल खरीदने पर आपको मिलेंगे गारंटीड सरप्राइज गिफ्ट। तो वक्त को जाया किए बिना आप अपने परिवार और दोस्तों समेत एक बार ताज मोबाइल्स विजिट करके अपने मन चाहे बेहतरीन मॉडल्स के मोबाइल फोन के साथ गारंटीड सरप्राइज गिफ्ट्स को अपना बना सकते हैं। इनका पता है ताज मोबाइल्स, यसएस रोड, रतन मॉल कॉम्प्लेक्स, बीजापुर। मोबाइल नंबर
9916003827। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।